ए एवरी वन हव आई यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं डिस्कशन इज ऑन अ फ्लैटर डिमांड कर्व वर्सेज अ स्टीपर डिमांड कर्व अब स्टूडेंट्स मेरे को आके पूछते हैं कि सर कभी डिमांड कब ऐसा स्टीप रहता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब तो होता है ये तो अपने को पता है कभी डिमांड कब ऐसा फ्लैट रहता है ये स्टीप कब होता है और ऐसा तो ए जो फिगर ए है डैट्स अ स्टीप डिमांड कब फिगर बी जो है डैट्स अ फ्लैट डिमांड कब अब स्टूडेंट्स आके पूछते हैं सर ये डिमांड कब स्टीप कब होता है और ये फ्लैट कब होता है क्या इसके पीछे रीजंस है स्टीप और फ्लैट होने के चलो समझते हैं इस बेसिक इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है अगर नहीं क्लियर है फॉर डिटेल्ड वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है इंस्टाग्राम का भी लिस्ट जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है आप वहाँ से और डिटेल में ले सकते हो एंड इफ यू वॉन्ट टू बाई अ फुल कोर्स यू कैन कॉल ऑन द नंबर स्क्रोलिंग बिलो ऑल तो जिस भी प्रोडक्ट का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई हो हाई प्राइस इलास्टिटी ऑफ डिमांड मीन्स द चेंज इन डिमांड विल बी मोर देन द चेंज इन प्राइस मतलब अ स्मॉल चेंज इन प्राइस विल लीड टू अ ह्यूज चेंज इन डिमांड मतलब अगर प्राइस पाँच परसेंट से बढ़े और डिमांड जो है इसके रिएक्शन पे दस या पंद्रह या बीस परसेंट से गिर जाए उसको हम कहते हैं डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ मोर इलास्टिक मोर रिस्पॉन्सिव तो जिस प्रोडक्ट का डिमांड मोर इलास्टिक होता है हाईली इलास्टिक होता है उसका डिमांड कर्व होता है फ्लैट तो यहाँ हम वाई एक्सेस में लिखते हैं प्राइस यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड अब देखो मैं एक कंसेप्ट को आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा मान लो ये डिमांड कर्व है ये फ्लैट डिमांड कर्व है अब देखो इस पर दो पॉइंट लेते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी ठीक है पॉइंट ए में प्राइस वॉज पी क्वांटिटी डिमांडेड बॉस क्यू पॉइंट बी में हम देख रहे हैं प्राइस इज़ पी वन थोड़ा सा प्राइस गिरा और डिमांड कितने से चेंज हुआ बहुत ज़्यादा आई कैन वी कैन क्लियरली सी वी कैन वेरी वेरी क्लियरली सी द चेंज इन प्राइस इज़ लेस एज कंपेयर टू द चेंज इन डिमांड विच इज़ वेरी हाई तो फ्लैट डिमांड कर्व क्या दिखाता है कि वाई एक्सिस के वेरिएबल में कम चेंज हो रहा है और एक्स एक्सिस के वेरिएबल में ज्यादा चेंज हो रहा है इस केस में वाई एक्सिस के वेरिएबल में हमने लिया प्राइस एक्स एक्सिस के वेरिएबल में लिया डिमांड तो अ स्मॉल चेंज इन प्राइस इज लीडिंग टू अज चेंज इन डिमांड एंड सो द फ्लैटर डिमांड कब शोज दिस सो फ्लैटर डिमांड कब किस केस में होगा ये होगा मोर इलास्टिक डिमांड के केस में अब आते हैं स्टीपर डिमांड कब अगर डिमांड लेस इलास्टिक है लेस इलास्टिक मतलब चेंज इन डिमांड इज लेस देन द चेंज इन प्राइस अगर प्राइस सपोज करो कि पंद्रह परसेंट से बढ़ जाए और इसके कंपैरिजन में डिमांड अगर सिर्फ पाँच परसेंट से गिरे तो चेंज इन डिमांड इज लेस चेंज इन प्राइस इज मोर सो वी से दैट डिमांड इज़ लेस इलास्टिक और डिमांड इज इन इलास्टिक ऐसे केस में डिमांड कब स्टीप होता है स्टीप मतलब कुछ ऐसा देखो जब आप ग्राफ बनाते हो तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस के वेरिएबल को मेंशन जरूर करें नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे या हो सकता कुछ भी ना मिले देखो ये स्टीप डिमांड कब है हमने एक डिमांड कब लिया जो स्टीप है है ना इस पर दो पॉइंट लेते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी अब देखो पॉइंट ए में प्राइज वॉज ओ पी क्वान्टिटी वॉज ओ क्यू पॉइंट बी में वी वीकेंसी प्राइज ओ पी से ओ पी वन काफ़ी गिर गया डिमांड उस गिरने से थोड़ा सा ही बढ़ा है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस वी कैन से इज मच मोर देन दी परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन डिमांड सो जब स्टीप डिमांड का होता है इट रिप्रेजेंट्स अ लेस इलास्टिक डिमांड बिकॉज इसमें एक्स एक्सिस का वेरिएबल कम चेंज होता है और वाई एक्सिस का वेरिएबल ज़्यादा चेंज होता है एक्स एक्सेस क्वान्टिटी डिमांडेड वाई एक्सेसड प्राइस सो अब अब सवाल ये उठता है तो अब तो ये तो बड़ा आपको क्लियर हो गया होगा कि डिमांड कब फ्लैट कब रहता है और स्टीप कब रहता है फ्लैट इन द केस ऑफ मोर इलास्टिक एंड स्टीप इन द केस ऑफ़ इन इलास्टिक मोर इलास्टिक किसका डिमांड होगा लग्जरी uh, गुड्स का लग्जरी uh, में आ गया इम्पोर्टेड क्लोथ्स इम्पोर्टेड वॉचेस कार्स इम्पोर्टेड कार्स या फिर ज्वेलरी है ना ये सब का डिमांड क्या होता है वो इलास्टिक होता है बिकॉज ज्वेलरी का दाम थोड़ा भी गिरे तो डिमांड बहुत बढ़ता है बिकॉज लोग वेट कर रहे होते हैं कि प्राइस गिरे तो जितने भी लग्जरी गुड्स है उसका डिमांड कब फ्लैट होगा जितना भी नेसेसिटीज़ हैं सॉल्ट शुगर मेडिसिन इसका डिमांड में उतना चेंज नहीं आएगा इवन इफ द प्राइस चेंजेस बिकॉज जितना वो चाहिए आपको उत, उस क्वांटिटी में चाहिए ही चाहिए तो जो जितने भी नेसेसिटीज़ है सॉल्ट शुगर उसका डिमांड कब इनलास्टिक होता है डिमांड इनलास्टिक होता है डिमांड कर्व स्टीप होता है आई होप द सेशन वाज यूजफुल अगर आपको और कुछ भी डिटेल चाहिए दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो थैंक यू सो मच